गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये मॉर्निंग का टाइम है और मेरा क्लीनिंग वगैरह घर का सारा काम डेली रूटीन का हो गया है और मैं नहा भी ली, कपड़े भी धुल गए हैं। और आज मुझे अनब को लेके जाना है हॉस्पिटल। वही हॉस्पिटल खुल जाए, मतलब थोड़ी लेट ही जाना है। पहला डोज उसको लगा था मतलब 12:30-1 बजे थे, जब उसको मतलब 11 बजे तो उसको बंदर मंकी ने काटा था। और डोज उसका मतलब सारा ट्रीटमेंट होते होते मतलब वही 1 बज गए रहे होंगे। तो इसका प्रोसेस ये होता है कि जितनी टाइम पहला डोज लगा है ना, उतनी टाइम ही दूसरा डोज लगना चाहिए, मतलब उससे लेट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट का मुझे नहीं पता तो, बट वही 11:30-11 मतलब ऐसे ही कुछ टाइम पे जाऊंगी, देखती हूँ। तो बस फिर चलिए चलते हैं अभी किचन में और बनाती हूँ मैं सब्जी पराठा वगैरह, कुछ बना लूँगी तो सब लोग नाश्ता कर लेंगे और फिर लंच लौट के आके बनाऊँगी। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो गाइज मैं आ गई हूँ किचन में और मैं नाश्ते में बना रही हूँ लौकी की सब्जी और पराठा। तो लौकी की सब्जी मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, मतलब मुझे टमाटर डाल के तो बहुत पसंद है खट्टी खट्टी, बट बीर को नहीं पसंद है, इसलिए बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, नहीं डालती हूँ टमाटर। वैसे मम्मी मेरी बोलती हैं कि अपने लिए तो उनके लिए तुम निकाल दिया करो सिंपल सब्जी और अपने लिए टमाटर डाल दिया करो, बट कौन ऐसा करे, मैं तो एक ही तरह का बनाती हूँ, जैसा वो खाएंगे वैसा मैं भी खा लूँगी, बच्चे भी खा लेते हैं। तो बस मैं लहसुन मिर्ची और प्याज डाल के बघार दूंगी लौकी को और 1 चम्मच धनिया हल्दी पाउडर बस यही डाल दूंगी और किचन किंग वगैरह नहीं डालती हूँ, जैसे गरम मसाले वगैरह नहीं यूज़ करती हूँ लौकी की सब्जी में, वो तो सिंपल ही रहती है। तो बस मेरी सब्जी फ्राई हो गई है और मैं आटा गूंथ लूँगी और हल्दी नहीं थी डिब्बा में, ख़त्म थी डेली यूज़ के लिए, जो मैं बाहर निकाल के रखती हूँ तो वो ख़त्म थी, तो वही मैं सोची हल्दी भर दूँ तो चाहत बोली कि मैं कर देती हूँ। और चाहत से भी कोई काम नहीं करवाती तो उसको भी काम करने का भी बड़ा शौक चढ़ा रहता है, मतलब हमेशा मम्मा ये कर दो वो कर दो, और जो काम मैं बोलती हूँ कि चाहत कर दो काम, तो वो तो फिर दिन भर नहीं करेगी, फिर मतलब गुस्सा करके कराऊँ तो करेगी, जैसे प्रेम से अगर बोलो प्यार से कि चाहत ऐसा कर दो तो फिर वो नहीं करती है। तो अभी बोल रही थी आटा गूंथ दूँ तो ये कर दूँ वो कर दूँ, बहुत परेशान करती है किचन में आती, बहुत बोलती भी रहती है। जब तक काम नहीं करवा रही हूँ ना, तब तक इनको बहुत शौक लगा है काम करने का, मम्मा मैं ये कर देती हूँ, मम्मा मैं आटा गूंथ देती हूँ। अभी जब से मैं अगर कोई काम जो बनता है और मैं बोलती हूँ चाहत ऐसा कर दो, चाहत फूल में पानी डाल दो, चाहत आंगन में झाड़ू लगा दो, वो सब फिर नहीं होता है। और जब तक काम नहीं करवाती हूँ ना, तो हर चीज के लिए खाना बनाने के लिए तो बहुत ही आगे। क्या कर रहे हो? तीनों ऐसे बच्चों की तरह खेलते हैं कि मैं तो परेशान हो जाती हूँ। कभी कभी तो ऐसे घर में पूरे दौड़ लगाएंगे कि फिर ये भी नहीं सोचेंगे कि एक दूसरे को लग जाएगा, साथ में पापा भी शामिल रहते हैं। मुझे बस इतनी टेंशन होती है कहीं गेट ना लग जाए, कहीं गिर ना जाए, बट इतना जोरों से दौड़ेंगे डंडे वंडे लेके। मेरी सब्जी न जल जाए इनके कारनामे देखने में। तो गाइज मेरी लौकी की सब्जी बन ही गई है, बस लौकी थोड़ी ज़्यादा पानी छोड़ती है इसलिए मैं उसको दूसरे चूल्हा में चढ़ा दी हूँ और इधर मैं बना लूँगी पराठे। कुछ लोग वैसे लौकी की सब्जी भी जूस वाली बनाते हैं, बट मैं नहीं बनाती हूँ, मुझे सिंपल सूखी सब्जी पसंद है तो मैं नहीं बनाती हूँ, मैं सिंपल ही बनाती हूँ, जो पानी है उसको भी सुखा देती हूँ। तो जब तक धीमी आँच में सब्जी उधर सूख रही है मतलब बन रही है, तो इधर मैं पराठे बना लेती हूँ और आनव को भी लेके जाना है हॉस्पिटल, तो थोड़ी जल्दी है तो बस चलिए मैं बना लेती हूँ फटाफट ब्रेकफास्ट।
तो गाइज मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है। ब्रेकफास्ट में है पराठा सब्जी और मार्केट वाला अचार प्याज। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए और मैं ये वाली थाली लगाकर बीर को दे करके आती हूँ और इसके बाद अपने और चाहत के लिए भी लगाऊंगी। और आनब तो हम लोगों के साथ में ही खा लेता है तो उसके लिए अलग से नहीं लगाना पड़ता। फिर चलती हूँ। स्लीपर उल्टा पहने हो आना? नहीं, मैं तो उल्टा ही पहनना। खड़े हो जाओ, खड़े हो वहीं पे। आ जाओ साइड हो। इसकी बचपन से आदत है, एक पैर में सैंडल एक पैर में सूज इस तरह पहनता था और कभी स्लीपर पहना तो दोनों उल्टा। गाइज मैं आ गई हूँ आनब को इंजेक्शन लगवाने, वही जो बंदर काटा था, रेवीज वाला। रेवीज ही बोलते हैं, हाँ रेवीज के इंजेक्शन लगवाने। तो बस चलिए लगवा लेती हूँ इंजेक्शन। मम्मा को लगेगी, मम्मा को। अरे आपको डर लगता है? मेरे को नहीं लगता डर। चलो क्या इंजेक्शन से आपको लगता है डर? हमको तो नहीं लगता। चलो यहाँ चले। अच्छा यहाँ लगता है? अच्छा वहाँ लगता है। चलो चली गई। बेटू कैसा लग रहा है? दर्द हो रहा है? ये घर से आ गया, इसको ये पता था कि इंजेक्शन मुझे लगेगा। हॉस्पिटल में अंदर तक चला गया जब भी यही पता था कि इंजेक्शन मुझे लगेगा। कह रहा था आपको डर नहीं लगता है? अब दर्द हो रहा है आपको? तो गाइस बस इंजेक्शन लग गया है और ओए ओए ओए। इतना बड़ा पत्थर था, वीर गाड़ी निकाल रहे थे तो अच्छा हुआ पत्थर सामने आ गया। पत्थर सामने आ गया ना। चल चल मैं कोटा छोड़ो तो पहले। चलो बैठो, जा बैठो बैठो बैठो। तो बस चलते हैं घर।